शुद्ध रूप से यदि कोई भी मार्ग यदि शेष बचा हो, कोर्ट के अलावे कोई भी, न्यायपालिका के अलावे कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत, भारतीय संविधान के तहत कोई व्यवस्था बनती हो तो विधेयक लाया जाना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या इससे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा? चैलेंज होगा, होगा। विधेयक लाने में सरकार विधेयक लाती है, जो चैलेंज करेगा कहेगा कि कम से कम मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ तो हो जाएगा, प्रारंभ कर देना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे महान नेता आदरणीय योगी जी और हमारे पूज्य मोदी, हमारे पूज्य योगी जी और महान नेता मोदी जी जरूर इस विषय को लोग स्पर्श करेंगे और उनके उनके भावना में जरूर होगा और ये मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। शिवसेना के लोग, वो लोग क्या हाईजेक करेंगे, जो खुद ही जो है उत्तरी भारत के लोगों को जो है मार करके डंडा से भगाने वाला व्यक्ति, राम के जो इंसान का सेवा करने की मानसिकता नहीं रखता है, वो भगवान की क्या कर सकता है? ये मैं इसकी मान लेते नहीं, उत्तरी भारत के लोगों को डंडा से मार करके भगाने वाले लोग भगवान को मानने वाले होते हैं। मैं उनके भावना का आदर करता हूँ, लेकिन उसके पहले इंसान की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने जो आपका अवसर दिया है इंसान की सेवा करने के लिए, आप उत्तरी भारत के लोगों को डंडा से मार के भगाते हैं और राम के लिए मंदिर बनाने की बात करते हैं, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम भगवान के बनाए हुए प्रतिनिधि इंसान को कम से कम सेवा करने का स्वभाव पाले लोग।